स्टार्ट करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाउ कम्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मोटे मोटे कंपेयर करके हम आपको डिफरेंस बताएंगे इस वीडियो में। समरी बता दे फटाफट कि बस ये के बॉर्डर जो है खुला हुआ है वो बंद है। बता तो दिया। अच्छा नहीं जो ऑस्ट्रेलिया वाला दोबारा बोल दूं पॉइंट नहीं सही कट टू शॉर्ट। Assalamualaikum guys or welcome back to our channel. My name is Ashar and my name is Sana and we hope that you all guys are doing really good today. So today the video is going to be very helpful for all of those people जो के student visa apply करने वाले हैं in Canada या फिर Australia, इन दोनों में confused हैं. So if you are one of those people then please do watch this video until the end. बट दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि इस वीडियो के एंड में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं और वो पॉइंट है पीआर प्रोस्पेक्ट कि कौन से कंट्री का पीआर फ्रॉम स्टूडेंट टू पीआर जर्नी कौन से कंट्री की आसान रहती है, आया कि कनाडा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की। सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग क्योंकि गाइस आज की वीडियो के बाद आप लोगों को काफी हद तक हमने कोशिश की है कि चीजें क्लियर हो जाए कि आप लोग कौन सा कंट्री चूज करो आजकल के दौर के हिसाब से आफ्टर कोविड क्या क्या चीजें रही क्या क्या चीजें नहीं रही और जो है वो किस कंट्री में क्या इस वक्त की करंट सिचुएशन चल रही है। आगे की पॉलिसीज तो हम देखो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में बट जो हमने अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यानी कलेक्ट की है वो इस पेपर में है मगर ये पेपर आपको मिलेगा नहीं सॉरी ये पेपर हम आपको खुद ही पढ़ के इस वीडियो में बताने वाले हैं बनाने वाले हैं वीडियो और आपको बताने वाले हैं जो आप लोगों को आसानी दे सकती है वी होप। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग आजकल जो है वो देख रहे हो और उससे जो है वो काफी स्ट्रेस भी हो रहे हो कि यार वीजे वगैरह तो लग जाते हैं मगर हम जा कैसे सकते हैं यानी कौन से कंट्री ऐसा है जो इस वक्त स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। बॉर्डर के लिहाज से ओपन है और बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ दो कंट्रीज की हम बात करने वाले हैं जिसमें है ऑस्ट्रेलिया जहाँ हम रहते हैं ऑब्वियसली और दूसरा है कनाडा। तो जो है वो इस वक्त जो स्टूडेंट्स की मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन हुई हुई है अगर इन टर्म्स ऑफ जनरल देखें हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कनाडा इस वक्त काफी लोग जा पा रहे हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस वक्त कनाडा के बॉर्डर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या फिर टेम्परेरी माइग्रेंट्स के लिए अभी बॉर्डर नहीं खुले हैं। ये कब तक नहीं खुलेंगे ये ना हमें पता है ना आप लोगों को पता है गवर्नमेंट को शायद बेहतर पता होगा इस बारे में मगर हम उस तरफ नहीं जाते वो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कनाडा के अंदर जो है वो टू टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं एक होती है एसडीएस और एक नॉन एसडीएस होती है। अगर आपको उस बारे में वीडियो देखनी हो तो हमने ऑलरेडी वो वीडियो बनाई हुई है लिंक आपके पास ऊपर भी आ रहा होगा और सना नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल देगी क्योंकि मोस्टली यही एडिटिंग करती है और इसमें जो फर्क होता है वो सिर्फ फंड्स का फर्क होता है यानी अगर आपके पास जीआईसी अकाउंट वो खुलवाने के लिए पैसे होते हैं ऑब्वियसली होने ही चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं भी रखोगे तो भी आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। सो मैं शॉर्ट करता हूं इसको कि एक होता है जीआईसी और एक होता है नॉन जीआईसी। तो जीआईसी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पाकिस्तान इंडिया या फिर जो डेजिग्नेटेड कंट्रीज है 7-8 कनाडा की लिस्ट में जो आते हैं एसडीएस में वो लोग कर सकते हैं मगर अगर आप लोग पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट रखते हो और ऑस्ट्रेलिया में हो या दुनिया के किसी और मुल्क में रह रहे हो टेम्परेरी बेसिस पे आप लोग जीआईसी या एसडीएस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखना आप लोग के अगर एजेंट आप लोगों को उल्लू बना रहे हो तो यार उन लोगों की बातों में प्लीज मत आना। सो एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जनरली एक ही स्ट्रीम होती है जो कि सब क्लास 500 कहलाती है। पहले यहाँ पे होता था कि दो तीन अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स होती थी 572 573 हायर एजुकेशन एलिको सेक्टर ये वो मगर अब नॉर्मली एक ही स्ट्रीम होती है। पहले एक टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस भी की थी कि एसवीपी वगैरह जो है वो स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग के नाम से ऐसी कोई चीज थी बट अब मुझे पता नहीं है कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूं तो मुझे अभी पता नहीं है कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। बट नॉर्मली लोग सब क्लास 500 वीजा ही अप्लाई करते हैं क्योंकि जितना भी देखा गया है लोग ज्यादातर यही अप्लाई कर रहे होते हैं। सो गाइज अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो एज कम्पेयर टू कनाडा तो ऑस्ट्रेलिया में कोई जीआईसी वगैरह अकाउंट नहीं होता और आपको ये करना है कि नॉन जीआईसी या जीआईसी क्या होता है तो हमारी जो कनाडा की वीडियो है वो जरूर जाके देख लेना। ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ 4-6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है या अपनी या फिर आपके स्पॉन्सर की जिसमें आपके जो है वो पेरेंट्स या बहन भाई भी हो सकते हैं और उसमें आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी पड़ती है। इवन आप स्टूडेंट लोन्स जो होते हैं जो पाकिस्तान इंडिया से मिलते हैं आप वो भी लेके अप्लाई कर सकते हो।
एंड बाय द वे गाइस, इफ यू वांट टू सी हाउ टू अप्लाई अ स्टूडेंट वीजा फॉर कनाडा, तो फिर ये लिंक ऊपर आ रहा है, इसको प्लीज जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस की जहां तक आई बात, तो कनाडा में ट्यूशन फीस जो कॉलेज की है और ऑस्ट्रेलिया में जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, विच इज अराउंड $15,000 टू $50,000 पर ईयर। तो ये ब्रैकेट होता है ऑलमोस्ट ट्यूशन फीस का, कॉलेज की फीसों का, जैसे हमने बताया कि सिमिलर है। बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज के लिहाज से ट्यूशन फीस फॉर द यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन कनाडा। पैसा पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि मेमोरियल यूनिवर्सिटी है इन द न्यूफाउंडलैंड स्टेट इन कनाडा। इस यूनिवर्सिटी की आपको अगर सालाना फीस हम बताएं तो इट कम्स टू 20,000 या अराउंड 20,000 पर ईयर, मे बी अपडेट हो गई हो, बट या 20,000 पर ईयर आती है। जबकि अगर वही आप एमबीए की बात बता रही हूँ, बाय द वे, अगर यही एमबीए आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी से करते हो, देन इट कम्स अराउंड 50,000 पर ईयर, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कैनेडियन यूनिवर्सिटीज कैन बी मोर चीपर, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू डू योर रिसर्च कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा चीपर आपको मिलेगी वहां पे। एग्जैक्टली। और अगर जो लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमें देख रहे हो, तो यार ये पूछने से पहले कि जो है वो कि ऑस्ट्रेलिया में एमबीए की फीस सस्ती भी होती है कॉलेज की, तो सना ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किया है कॉलेज का नहीं। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि स्टूडेंट वीजे के साथ आप मेडिकल प्राइवेट इंश्योरेंस अपनी डेफिनेटली लेते हो। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो प्राइवेट इंश्योरेंस लेने के लिए यू नीड टू पे अबाउट $700 पर ईयर इफ यू आर लिविंग इन ऑन्टेरियो। इसी तरीके से अगर अदर स्टेट्स हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्टा की स्टेट में मेडिकल इंश्योरेंस कम्प्लीटली फ्री है, और ये मेडिकल इंश्योरेंस तमाम आपकी ट्यूशन फीस के साथ जाती है अप फ्रंट, यानी कि जो भी आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो उसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस पे करनी है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली ऑफ 2-3 जितनी भी है, डिपेंड्स करता है, तो मिनिमम आपका स्टार्ट होता है $2,000 पर ईयर से फॉर योर फैमिली इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को प्राइवेट इंश्योरेंस अलग से लेनी पड़ती है। यहाँ पे कॉलेजेस जो है वो उसको नहीं लेते, बल्कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अलग से लेती है, और उनको आप पे करते हो अराउंड द फिगर इज $516, यानी कि $516 पर ईयर फॉर सिंगल। और अगर आप लोग बात करो फैमिली की, देन फैमिली प्राइवेट इंश्योरेंस कम्स टू $5,200 पर ईयर, अगें डिपेंडिंग ऑन कौन सी प्राइवेट इंश्योरेंस लेने, बट इट विल बी अराउंड दैट फिगर। सो दैट इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ फैमिली, जबकि सिंगल के लिए यू सी अगर आप ऑन्टेरियो में जा रहे हो तो उसके लिहाज से ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ऑन्टेरियो में कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एल्बर्टा में फ्री है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन कंसिडर। मगर एल्बर्टा में, या फिर अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में भी जा रहे हो तो वहां पे भी काफी हद तक फ्री है, मगर उसके लिए आपका जो कोर्स होना चाहिए वो एटलीस्ट 12 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए, यानी जो भी आप जिस भी कोर्स में ले रहे हो 12 महीने से ज्यादा का होगा, तो ही आपको जो है वो फ्री हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो मिल पाएंगे। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द वीजा फीस। जब आप लोग स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो फॉर कनाडा, द फीस फॉर अ सिंगल पर्सन विल कॉस्ट $150, जबकि आप अगर ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो, देन अ सिंगल फीस विल कॉस्ट अराउंड $620 फॉर अ सिंगल पर्सन। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, ऑस्ट्रेलिया का $620 वर्सेज $150 फॉर कनाडा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार हमारी फैमिली भी है, या अगर आप लोग फैमिली बनाने की सोच रहे हो या बढ़ाने की सोच रहे हो या व्हाटएवर जो भी सोच रहे हो, तो कनाडा के अंदर इस तरह होता है कि आप लोग का जो स्पाउस होता है वो फुल टाइम अलाउ होता है, अगर वो आपके साथ अकंपनी कर रहा है कनाडा में स्टडी के लिए। यानी आप अगर स्टडी करने जा रहे हो तो आपका स्पाउस या पार्टनर जो भी होगा उसको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, और जो उसकी फीस होती है वो अराउंड $100 टू $200 होती है, डिपेंड करता है। और उसके लिए भी हमने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो उसकी उसमें आपको कोई ऐसा नहीं होता कि जो है वो अगर आप पीजीडी के लिए जा रहे हो या किसी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जा रहे हो, अगर आपका वीजा ग्रांटेड हो जाता है और आपका स्पाउस आपको कंपनी कर रहा है तो जो है वो फुल टाइम अलाउ हो सकता है। बट एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि आपको अगर जो है वो आपका स्पाउस कंपनी कर रहा है बैचलर डिग्री में, तो वो भी 20 आवर्स पर वीक ही अलाउ होगा। मगर अगर वो आपको कंपनी कर रहा है, यानी अगर आप जो है वो अपग्रेड होके आपने बैचलर कर लिया है ऑलरेडी और अब आप मास्टर के ऊपर आ रहे हो, तो यानी या फिर पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्ट मास्टर वीजे पे आ रहे हो, तो आपका स्पाउस या पार्टनर जो भी होगा वो फुल टाइम अलाउ होता है, यानी 40 आवर्स पर वीक फुल टाइम अलाउ होता है वर्क के लिए। जो वर्क राइट्स होते हैं उसके फुल टाइम होते हैं, उसमें कोई कैद नहीं होती। और साथ ही में इसमें यह भी होता है कि अगर आप वो मास्टर डिग्री कोई भी कर रहे हैं, यानी कोर्स वर्क या रिसर्च या पीजी पीएचडी
पीएचडी या जो भी कर रहा है उसके में उसको अलाउ होता है फुल टाइम। तो यार देखो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, अगर आपको पार्ट टाइम ऑब्वियसली जॉब करनी होती है, फुल टाइम आप लोग नहीं होते अलाउ एज अ स्टूडेंट। तो आप लोगों को जो जॉब्स कंसिडरेबल होती हैं वो होती है जिसमें सिक्योरिटी, ऊबर और कोई रेस्टोरेंट की जॉब, या फिर कोई डिलीवरी ड्राइविंग की जॉब, या कोई पिज्जा डिलीवरी की जॉब, या कोई भी ऐसी जॉब। कैजुअल जॉब्स लाइक रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी में, हाँ, मैनेजमेंट में, होटल में, कहीं भी। कोई भी ऐसी जॉब हो जो पार्ट टाइम हो और आप उसको अपने 20 आवर्स की जो लीगल लिमिट होती है आपकी, उसमें कोप अप कर पाओ ड्यूरिंग अपनी स्टडी। हाँ, जब आपका स्टडी ब्रेक होता है तो आप जो है वो फुल टाइम अलाउ होते हो दोनों ही जगह, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा। और ये पॉइंट मैंने दोनों ही जगह के लिए बताया है कि ये तमाम जॉब्स आप दोनों ही मुल्कों में सिमिलर होती हैं, आप एक जैसी ही कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन वर्क राइट्स के कनाडा में अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हो, विच इज कॉल्ड ऑन कैंपस वर्क, तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी मालूम कर सकते हो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ये अलाउ करती है कि यू कैन वर्क फुल टाइम इन योर, इट्स कम्प्लीटली गोइंग टू बी लीगल अगर आप 40 आवर्स काम करते हो इन दैट यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस अगेन वही वर्क राइट्स अप्लाई होते हैं, 20 आवर्स पर वीक की लिमिटेशन होती है, लेकिन इफ यू आर वर्किंग ऑन कैंपस देन यू कैन वर्क फुल टाइम। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में काम आपको कुछ मिल भी जाए, कुछ भी है, यू आर स्टिल बाउंड टू 20 आवर्स पर वीक। तो ये एक थोड़ा सा फर्क होता है इफ यू आर इन अ बैचलर डिग्री ऑफकोर्स। एग्जैक्टली, सो ये फायदा होता है कि अगर आप जो है वो दो बंदे आपके साथ हो वीडियो बनाने में, तो अगर एक बंदा भूल भी जाए दूसरा बंदा उसको याद दिला देता है। थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको सना बताएगी आई थिंक, कि और बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो वहां पे जाने की सोच रहे हो। सो गाइज, अगर आप लोग अपनी फैमिली को आगे ग्रो करना चाह रहे हो और देखना चाह रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए अच्छा होगा, या कि कनाडा में स्टूडेंट वीजा करें या फिर ऑस्ट्रेलिया का, देन वी रिकमेंड यू कनाडा। व्हाई? बिकॉज इन कनाडा, शायद आप लोगों ने पहले भी ये कई दफा सुना होगा कि कनाडा में बच्चा जो भी पैदा होता है, ही इज और शी इज अ सिटीजन बाय बर्थ, अ सिटीजन ऑफ कनाडा बाय बर्थ, विच इज अ वेरी गुड बेनिफिट। बहुत सारे लोगों के लिए आगे इसके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको काफी चार्मिंग समझते हैं। तो अगर आप लोगों के लिए भी ये काफी चार्मिंग चीज है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद कनाडा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों का बेबी बॉर्न होता है, अनलेस एंड अंटिल के आपका या आपका स्पाउस पीआर ना हो, आपके बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलती है बाय बर्थ। यहाँ पे काफी टाइम जो है वो यही रुकना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, बट बाय बर्थ एटलीस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी सिटीजनशिप नहीं मिलती है। देन फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज द चाइल्ड बेनिफिट पॉइंट। चाइल्ड बेनिफिट काफी मैटर करता है बहुत सारे कपल्स के लिए, इसलिए क्योंकि इट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी अगर आप लोग को चाइल्ड बेनिफिट किसी मुल्क में मिलना शुरू हो जाए एज अ स्टूडेंट। तो कनाडा में आप लोगों के लिए काफी बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो फैमिलीज जो कि बच्चों के साथ जा रही हैं, उन लोगों को 18th मंथ के बाद एज अ स्टूडेंट भी, 18th मंथ के बाद, 19th मंथ लगते ही कनाडा में रहते हुए, अगर आपको 19 मंथ्स हो चुके हैं, तो आप लोगों को चाइल्ड बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा आपके बच्चों के लिए। कितने भी बच्चे हैं आपको, उसके लिहाज से चाइल्ड बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऐसी कोई भी रूल नहीं है, यहाँ पे कोई चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलता, भले आप पूरी उम्र ही स्टूडेंट वीजा पे, भले आप 19 ईयर्स भी यहाँ पे रह लो किसी भी टेम्पररी वीजा पे, आपको किसी तरह की कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। तो अभी सपोर्ट के बारे में हम आगे भी इस वीडियो में आने वाले हैं, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आजकल के लिहाज से, बट फिलहाल आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि चाइल्ड बेनिफिट अगर आप लोग कंसिडर कर हो, ये सोच रहे हो कि 3 मंथ्स के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट से तो अच्छा हो जाएगा, देन यू कैन डेफिनेटली कंसीडर कनाडा फॉर योर ऑप्शन। तो जहां सपोर्ट की बात आती है गाइस, मैं आपको सपोर्ट का बता दूं कि जैसे पेंडेमिक आया, आप लोगों को पता ही है, कोविड वगैरह आया, तो उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज से जो जिन्होंने स्टेप अप किया और पूरा गेम चेंज कर दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उसमें हाँ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में, उसमें न्यूजीलैंड भी बहुत जबरदस्त किरदार किया था, अदा किया था न्यूजीलैंड ने, मगर साथ में कनाडा ने भी पीछे नहीं हटा वो स्टूडेंट्स के मामले में। उसने भी $500 पर वीक का जो उन्होंने ऐलान किया था, जो एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो पैसे कमाए हुए थे वहां पे टैक्स के ऊपर, उनके लिए उन्होंने ऐलान किया था। और एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की कोई स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं मिली, छोटी मोटी इन्होंने जो है वो उसमें दे दी थी रेंटल वगैरह में या अकोमोडेशन में, हाँ कि जो है वो 3 या 4 वीक से लेके और 10 वीक्स तक का अकोमोडेशन था, बट वो यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी इसके अलावा कोई भी उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी थी किसी भी तरह की, जबकि इवन उनसे पूछा भी गया तब भी उन्होंने कहा कि नो दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। तो इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वहां पे जो रूल्स थे वो टोटली सबके लिए एक ही जैसे थे, बट ऑस्ट्रेलिया में थोड़े डिफरेंट हो गए। इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस
जो परमानेंट रेजिडेंट थे और जो सिटीजन थे उनको पहले प्रायोरिटी दी, और जॉब ऐसे के हाँ मामले में। और ऐसी जॉब के प्रोग्राम्स निकाले जिसमें एम्प्लॉयर ज्यादातर स्टूडेंट्स को फारिग कर दें और जो है वो जो सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को जॉब दें। जबकि कनाडा में इस तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं आया, काफी इक्वालिटी रही। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर आप लोग देखें कि बेनिफिट्स जो है वो, या फिर किसी भी पेंडेमिक के किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे स्टूडेंट्स का किसने साथ दिया इन द पास्ट, और आगे जो है वो किससे हम ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं, सो दैट गोज फॉर कनाडा। एग्जैक्टली साथ ही में अगर हम बॉर्डर के बारे में बात करें, दोबारा मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जो है वो आप कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट जो है वो दोबारा बंदे को याद आ रहे होते हैं। तो अगर आप साथ ही में बॉर्डर की बात भी करें तो 18 मार्च से पहले जो भी स्टूडेंट्स थे, और आज तक भी यार मैं कितनी यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ कैनेडा में, जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो एसेंशियल ट्रेवल वगैरह के लिए भी होगा ऑब्वियसली जो भी होगा, मगर वो जा रहे हैं वहां पे इंडिया या पाकिस्तान अपने जाते हैं, एक दो महीने का अपना विजिट करते हैं और फिर दोबारा कनाडा में वापस आ जाते हैं। बट अगर एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया देखो तो यहाँ पे सिटीजन्स को भी पहले जाने से पहले एग्जेम्पशन चाहिए होता है, तो स्टूडेंट्स तो किस खेत की मूली है, यानी कि एक दफा चले गए स्टूडेंट्स अपने होम कंट्री फॉर एनी रीजन, फॉर इमरजेंसी या कुछ भी, हाँ। तो उसके बाद दे कैन नॉट नेवर कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया अनलेस द बॉर्डर गेट्स ओपन जस्ट लाइक यू गाइज, उनको भी वहीं पे रहना पड़ेगा। सो आप लोगों के लिए हमें फील होता है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही होता है कि जो है वो जो थोड़ी बहुत भी हमारी तरफ से कोई एफर्ट हो आप लोगों के लिए कोई, तो हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो गाइज जब आप लोगों का स्टूडेंट वीजा लग जाता है तो साथ में आपका आता है वर्क परमिट, यानी कि जब स्टूडेंट वीजा का आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। और कनाडा में ये होता है कि अगर आपका एक साल का स्टूडेंट वीजा होता है तो आपको एक साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आपका दो साल का स्टूडेंट वीजा होता है तो आपको तीन साल का वर्क परमिट मिलता है, ओपन वर्क परमिट। आप फुल टाइम अलाउ होते हो, कुछ भी करो, मजे करो, काम करो ना करो, कुछ भी करो, अप टू यू। बाय द वे दिस इज द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। हाँ, तो अगर आप एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया करो तो यहाँ पे जो है वो दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं, अब दो तरह की कर दी इन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप दो साल की स्टडी करते हो तो आपको जो है वो दो साल का ही वीजा मिलेगा सिटीज के अंदर, जो सच है सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन, बड़े सिटीज है यहाँ पे दो साल की स्टडी पे। मगर अगर आप जो है वो रीजनल एरिया में, रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जाके दो साल की स्टडी करते हो तो आपको तीन साल से लेके चार साल तक का वीजा मिल सकता है जो एक्सटेंडेबल होता है, यानी अगर आपको तीन साल का मिला तो वो एक साल और एक्सटेंडेबल हो सकता है, या दो साल का मिला तो एक दो साल और एक्सटेंडेबल होता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स, और या फिर आप कौन से विलेज में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, ये डिपेंड करता है, तो वो आपको मिल सकता है। एंड दी लॉन्गर दी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इज द बेटर इज योर चांसेस कि आप लोगों को एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिले, तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस पॉइंट वेरी वेल। एग्जैक्टली, तो गाइज हम वीडियो के उस हिस्से में आ गए हैं जो कि आप लोगों को, यानी सोचने में आपको शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को फैसला करने में, सॉरी सोचने में भी नहीं, फैसला करने में आपको सबसे ज्यादा आसानी देने वाला है, और वो होता है आफ्टर स्टडी पीआर का प्रोस्पेक्ट। तो वो सना आपसे आज डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, सो पीआर प्रोस्पेक्ट जो है वो कनाडा में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। उसका रीजन है, उसका रीजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए कनाडा में बहुत सारी स्ट्रीम्स इस वक्त निकली हुई हैं, बल्कि काफी सालों से जो है वो ये स्ट्रीम्स चल रही हैं, और आगे बहुत सारी नई स्ट्रीम्स लाने का इनका प्लान है इमिग्रेशन का, कनाडा की इमिग्रेशन बॉर्डर फोर्स का। तो बेसिकली वो लोग ये चाहते हैं आईआरसीसी के वो बहुत सारी इमिग्रेशन करें। ऑब्वियसली हमने आपको शायद पहली वीडियो में बताया था कि इमिग्रेशन का कोटा भी काफी उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया, 1 मिलियन कर दिया है, 1.2 मिलियन फॉर थ्री इयर्स, 1.2 मिलियन फॉर थ्री इयर्स। तो बेसिकली इस कोटे से ये अंदाजा होता है कि वो लोग कितना ज्यादा इमिग्रेशन चाहते हैं, यानी अगर आप लोग स्टूडेंट वीजा लेके वहां पे पढ़ के एंड देन यू अप्लाई फॉर पीआर, तो आपकी पीआर काफी हद तक आसान होगी कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया जहाँ का कोटा काफी कम हो गया है। सो कनाडा में बहुत सारे पीआर के स्ट्रीम्स है, सच एस पीएनपी, सीईसी जो कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होते हैं वहां पे रहने वालों के लिए, प्लस पीएनपी जो कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन होती है जस्ट लाइक स्टेट स्पॉन्सरशिप, और इसके अलावा फेडरल स्किल्ड वर्कर्स एंड अटलांटिक प्रोग्राम्स, और इसके अलावा न्यूफाउंडलैंड के प्रोग्राम्स, बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स निकल के आ रहे हैं जो कि इमिग्रेशन को काफी ज्यादा तरजीह देते हैं, काफी बूस्ट करते हैं इमिग्रेशन को। जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है। अगर आप चाहो तो आप किसी भी अपने दोस्त जो यहाँ पे कोई रह भी रहा हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको इजिली बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग तो आपको बता ही रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा कम हो गई है इमिग्रेशन। यहाँ पे लोग 8 साल से 10 साल टेम्पररी वीजे पे रह रहे हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट एन इनवाइट फॉर पीआर। प्लस यहाँ की स्ट्रीम्स जैसे 189 की स्ट्रीम जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, इस स्ट्रीम में बहुत कम इनवाइट्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 100 पहले जाया करते थे और अब बिल्कुल ही वो क्वार्टरली पे आ गए हैं, तो बहुत कम इनवाइट्स जाते हैं फॉर पीआर, और पीआर का इनवाइट नहीं आएगा ऑब्वियसली यू कैन नॉट अप्लाई। एज कम्पेयर टू कनाडा वहां पे जो है वो 4,000 से 5,000 हर फोर्टनाइटली इनवाइट जाते हैं। अभी पेंडेमिक के दौर में ऑब्वियसली आप जो है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जो भी होती है वो देखते होंगे,
मगर अगर आप पिछला पास्ट और वो उठा के देख लो, अभी जो करंट जो चीजें हैं उनकी, उसमें काफी यार हजारों की तादाद में इन्विटेशन अभी भी जा रहे होंगे। एग्जैक्टली इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया में 491 वीजा या रीजनल वीजा की बात करें या स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो उसकी भी एलिजिबिलिटी काफी डिफिकल्ट हो गई है। एक्सपीरियंस के लिहाज से, कोर्स चूज करने के लिहाज से, ऑक्यूपेशन के लिहाज से बहुत लिमिटेड हो गया है। तो अगर इन तमाम सिनेरियोज को देखा जाए तो वी विल डेफिनेटली से कि कैनेडा की पीआर काफी हद तक ईजी है कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो हमें बहुत सारे डीएम्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि यार प्लीज बताए कि मैं कंफ्यूज हूँ, कैनेडा का स्टूडेंट वीजा करूँ या ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा करूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पीआर के लिए अप्लाई करना है। देन द आंसर इज प्लीज अप्लाई फॉर कैनेडा इफ यू आर ट्राइंग फॉर पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यार देखो ये है कि क्योंकि लोग काफी कहते हैं कि यार हमने टेली कम्युनिकेशन किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, मगर 90 मेरे हिसाब से जो मुझे डीएम हम लोग का आते हैं और या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे आप लोग फॉलो करते हो, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। पहली बात तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों की यही ज्यादातर सवाल होते हैं कि हमने ये किया हुआ है, इसका क्या स्कोप है, उसका क्या स्कोप है। यार देखो ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल हम लोग रह रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे जो ज्यादातर स्कोप है फिलहाल वो एसेंशियल वर्कर्स का है, जो मेडिकल या हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड से इस वक्त जो है वो है, नर्सिंग में है, हेल्थ केयर में है, फार्मासिस्ट है या फिर पीडियाट्रिशियन है, इस तरह की फील्ड यहाँ पे काफी बेटर है फॉर पीआर प्रोस्पेक्टिव। अगर हाँ आप लोग वहां से, अगर आप लोग इन तमाम फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप लोग जरूर ट्राई करो, मगर फिलहाल ऑफ शोर के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पीआर कंप्लीटली बंद की हुई है, बट एज कम्पेयर टू कैनेडा वहां पे अभी भी ऑफ शोर की हो रही है। हाँ मगर फिलहाल उन्होंने एफएसडब्ल्यू वगैरह के ऑप्शन अभी बंद किया हुआ है, मगर ओंटेरियो के जो पीएनपी है या ऐसे जो सस्केचुअन की पीएनपी है वो अभी भी खुली हुई है। अभी लास्ट मंथ में मैं देख रहा था वहां पे राउंड चला है और वहां पे उन्होंने पीएनपीज वगैरह जो भी चीजें हैं वो अभी उन्होंने दी है। तो फ्रेंड्स हमारे जो है वो एक मैं बात ऐड करना चाहूंगी छोटी सी, कि अगर आप लोगों को थोड़ी और डिटेल वीडियोस चाहिए हो अबाउट कनाडा पीआर, तो हमने थोड़ी बहुत इस पे भी रिसर्च करके रखी हुई है, सो प्लीज डू लेट अस नो, अगर डिमांड होगी तो फिर हम इसके बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे, बट हमें कमेंट्स में जरूर बता दें। तो गाइज मैं एक और बात आप ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप पीआर की बात कर रहे हो तो अगर आप कनाडा में मास्टर्स करते हो तो उसके बूस्टअप पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप ओंटेरियो वगैरह के ऐसे स्टेट में करते हो जहां पे ओंटेरियो की अपनी ही एक और नॉमिनेशन स्कीम है, जो लोग वहां पे मास्टर्स करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर वो उनके लिए अलग ही जो है वो पीआर प्रोस्पेक्ट अलग ही वो होता है, उनके पॉइंट्स भी अलग होते हैं, इवन उनका जो है वो पीएनपीज वगैरह में उनको आसानी हो जाती है और वो डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं मिलता, हाँ अगर आप कोर्स वर्क में कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, मगर अगर आप रिसर्च में कर रहे हो जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, 1% लोग भी नहीं कर पाते होंगे, तो आपको यहाँ पे बाबा जी का ढुल्लू ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, पीआर के पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, कोई एज सच कोई अलग से वर्किंग वीजा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जबकि कनाडा में 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर डूइंग योर मास्टर इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, एनी काइंड ऑफ फील्ड, जो भी आपका सब्जेक्ट हो डजंट मैटर, आपको मिलेंगे मास्टर के 40 पॉइंट्स फॉर स्टडिंग इन कनाडा, उसकी 15 पॉइंट्स अलग मिलेंगे, सो अराउंड 55 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं इफ यू डू मास्टर्स इन कनाडा फॉर पीआर। एग्जैक्टली तो गाइज हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और हमारी यार चैनल की मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को प्लीज, एंड शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, बिकॉज दैट विल ऑब्वियसली हेल्प अस अ लॉट इन ग्रोइंग दिस चैनल। और कुछ और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी आप लोगों को पका चुके हैं, और मगर ये की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बस बस काफी।